गैंगस्टर गोलगप्पे वाला। एक गोलगप्पे के ठेले के पास एक आदमी बिना शर्ट के सिर्फ पैंट पे ही सबको फटाफट गोलगप्पे बनाकर देने लगा। लोग उसे खाने लगे। उसका हुलिया अलग होने के कारण और वहाँ के गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग उमड़ कर आ रहे थे। एक बार एक लड़की और एक लड़का भाग रहे थे। थोड़े गुंडे एक वैन में उनका पीछा कर रहे थे। ऐसे थोड़ी देर होने के बाद वो दोनों एक बाजार में आए। वो लोग यहाँ वहाँ देखे तो वहाँ पर वो गोलगप्पे का ठेला और गोलगप्पे बनाने वाला आदमी दिखा। वो दोनों तुरंत जाकर उसके पीछे छिप गए। लड़का तब, सर सर हमें बचाइए कहा। तो लड़की, हाँ अंकल वो गुंडे हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ रहे हैं, प्लीज बचाइए बोली गोलगप्पे वाला। वो लोग पीछे पड़े तो पुलिस स्टेशन को जा सकते हो ना, यहाँ पर क्यों आए? यूँ कह रहा था तभी वो वैन तेजी से आकर वहाँ पर रुकी। उसमें से गुंडे चाकू और बंदूकें लेकर उतरे। उन्हें देखकर लड़का, सर सर यही है हम दोनों भागकर शादी करने के लिए सोचे तो ये लोग हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़े हैं सर कहा। लड़की तब, यही है अंकल यही है हमें बचाइए बचाइए बोली। गोलगप्पे वाला उन गुंडों के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर गुंडे दंग हो गए। उनके हाथों में से चाकू और बंदूकें फिसल गए। एक मुन्ना भाई यहाँ पर क्यों है, भागे भागे कहा। बस सब वहां से भाग गए। ये देखकर लड़का और लड़की दोनों आश्चर्य में पड़ गए। लड़का, ये सपना है ये सच? आपको देखकर वो लोग वैसे क्यों भाग गए कहा। तो लड़की, आपका नाम मुन्ना भाई है, आप बड़े डॉन हो क्या पूछी गोलगप्पे वाला। डॉन पान कुछ नहीं हूँ, मेरा नाम राजेंद्र है, मैं एक साधारण गोलगप्पे वाला हूँ, मुझे गोलगप्पे बनाना बहुत पसंद है। पता नहीं वो लोग मुझे देखकर कोई और सोचे होंगे, मगर मैं वो जो सोच रहे हैं वो आदमी नहीं हूँ कहा। ऐसे राजेंद्र गोलगप्पे बेचते हुए जी रहा था। वो गुंडे जाकर मुंबई डॉन लक्की भाई को मिलकर जो भी था वो सब बताए। लक्की भाई तब, चांस ही नहीं बनता, मुन्ना भाई कैसे जिंदा रह सकता है, उस दिन मैंने ही उसके सर पे पत्थर मारकर समुंदर में फेंक दिया, शायद ये कोई दूसरा आदमी होगा, आपको गलतफहमी हुई होगी कहा। एक आदमी, नहीं भाई वो मुन्ना भाई है, उसके बदन पे टैटू भी है भाई, वो नहीं मरा भाई कहा। लक्की भाई तब, तो फिर वो मुंबई को लौटकर आए बिना गोलगप्पे क्यों बेच रहा है, अगर वो सच में जिंदा है तो उसे मारना ही ठीक होगा, चलो रे जाकर उसे ठोक देते हैं कहा। थोड़े युवक गोलगप्पे के बंडी के पास आए। राजेंद्र उन सबको गोलगप्पे दे रहा था। वो लोग गोलगप्पे खाते हुए राजेंद्र को गौर करते हुए एक दूसरे को देखने लगे। खाने के बाद एक, भाई बिल कितना हुआ कहा। राजेंद्र तब, पूरे 300 रुपए हुए भाई कहा। बस वो एक लकड़ी लेकर राजेंद्र के सर पे मारा। राजेंद्र बेहोश होकर गिर गया। वो लोग बाद में पानी छिड़क कर राजेंद्र को उठाए। उन्हें देखकर राजेंद्र, अरे आप इतने दिन कहाँ गए रे, वैसे मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्या हुआ पूछा। तब सब, भाई की याददाश्त लौट आई है, भाई को सब याद आ गया कहकर पुकारते हुए खुशी से नाचने लगे। एक, भाई उस दिन वो लकी भाई वाले आप पे किए अटैक से मैं बच गया, मेरे आँखों के सामने वो आपके सर पे पत्थर से मारकर आपको पानी में धकेल दिया भाई, आप यहाँ पर है कहकर मुंबई में खबर फैल गई थी, इसलिए हम आपके लिए यहाँ पर आए, आपके बदन पे टैटू देखकर आपको पहचाने, आपको गोलगप्पे पसंद है और आप बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाकर हम सबको खिलाते थे ना, इसलिए याददाश्त खोकर आप ये ठेला खोले होंगे सोचे थे, सर पर मारे तो आपकी याददाश्त लौट आएगी सोचकर सर पे मारे, चलो भाई हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रह सकते कहा। ऐसे सबके जाने के बाद लकी भाई वाले आकर वहां देखे, मुन्ना नहीं रहने के कारण लकी भाई सर पकड़ लिया।